बेटा आवाज आ रही है ऑडियो वीडियो का, क्योंकि बताएगा मेरे को। अरे मुन्ना कोई बताओ यार। अंकुश का मेरे को मैसेज आ गया है, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंकुश, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मानसा गुड इवनिंग बेटा, आई होप आपका मैंने क्वेरी सॉल्व किया। प्रदीप गुरुभ्यो नमः। ओके कुमसी गुड इवनिंग, सब क्लियर है? मेरे पूछने से पहले ही बता देते हो आजकल, मतलब तुम लोग को सब क्लियर आने लग गया अभी। ओके कैसे सब लोग, कैसे हैं सब लोग? हेलो शुभ, कैसे बेटा? यार मेरा ब्राउन हैट है, मैं सबसे ज्यादा इज्जत अभी देगा इसको, सबसे बड़ा हैट भाई ने दिया है ब्राउन हैट। और कोई है क्या जिसके पास ब्राउन हैट है, वो मुझे डेडिकेट कर सकता है तो बताइए यार, तो मैं भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं बहुत मतलबी इंसान हूँ, लालची हूँ लालची। नहीं बट ऑन सीरियस नोट, थैंक्स अ लॉट शुभ। तो अभी मेरा नाम सी आदर्श जोशी है, और पहले भी सी आदर्श जोशी था, और कल भी सी आदर्श जोशी रहेगा। और मैंने अपना बीकॉम किया ब्रियान मार्शल कॉलेज ऑफ कॉमर्स से। आई हैव अ वंडरफुल ग्रिप ऑन लॉ, बिकॉज मैं जब स्टूडेंट था तब से मैं लोगों को लॉ पढ़ाते आ रहा हूँ। मैं लाइब्रेरीज में और अपने दोस्तों को यहाँ पर लॉ पढ़ाता था, डिस्कस करता था, एंड सो ग्रेजुअली बहुत इंटरेस्ट मेरा उस सब्जेक्ट में हो गया। And I've uploaded more than 100 videos on YouTube. I've garnered more than 110,000 views, and students have watched more than 380,000 minutes of my videos, excluding the Unacademy या Just CA Foundation पे अपलोड जो किया है मैंने videos को exclude करके। तो अगर अभी तक आप लोगों को Unacademy Learning App के बारे में नहीं पता चला है, तो बेटा किस बात के इंतजार कर रहे हो? Unacademy Learning App डाउनलोड करो, इट्स अ फ्री ऐप। उसमें आप अपना जो भी आपका गोल है, मल्टीपल गोल्स है तो आप मल्टीपल भी गोल सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके अंदर आप जितने भी वीडियोस है वो सारे आप देख पाएंगे। प्लस अगर आप प्लस में जाते हो तो उसमें आपको सर 30+ आवर्स के लाइव सेशंस मिलते हैं एवरी सिंगल डे, एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होगा इंग्लिश और हिंदी में। नए 14+ टॉप एजुकेटर्स है, मेरा भी अभी उसमें कोर्स आने लग गया है। एंड लास्टली हर मंथ नए कोर्सेज पब्लिश होते हैं, तो यू शुड गेट द सब्सक्रिप्शन एज सून एज पॉसिबल। ओके तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं आपको बता दूं, अभी आप फाउंडेशन में हो, 4 सब्जेक्ट्स आपके फाउंडेशन के और 8 सब्जेक्ट आपके इंटर के, यानी टोटल सर आप 12 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो एट द कॉस्ट ऑफ 1 और मोस्टली 2 सब्जेक्ट्स। यस सर, आई एम नॉट जोकिंग। आप देखिए 12 मंथ्स के लिए इन्होंने सिर्फ 17,500 आपसे चार्ज कर रहे हैं फॉर ऑल द 12 सब्जेक्ट्स फॉर 1 ईयर। मल्टीपल फैकल्टीज, मल्टीपल टाइम्स आप उसको देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आप क्वेरीज पूछ सकते हो, किसी भी फैकल्टी से आप जाके कनेक्ट हो सकते हो, मल्टीपल फैकल्टीज से भी कनेक्ट हो सकते हो एक ही सब्जेक्ट के लिए भी। फिर देन 24 मंथ्स का तो सर मतलब माइंड ब्लोइंग है, 21,000। उसमें आप अगर सी आदर्श रेफरल कोड यूज करते हो तो यू गेट 10% ऑफ, तो 18,900 में यू गेट ऑल दिस थिंग्स एंड मोर, जो हमेशा एड होता रहता है। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एटलीस्ट स्टूडेंट्स। आई विल नॉट से विन विन सिचुएशन, बट अभी अभी मुझे कुछ स्टूडेंट्स भी लास्ट क्लास में बोल रहे थे कि इसका रेट बढ़ सकता है सर, तो बेटा वो चीज का ख्याल रखना। अगर वो बढ़ जाए तो मुझे दुख होगा, अगर आप लोगों का ये नुकसान हो जाए, तो उससे पहले ही सी आदर्श रेफरल कोड यूज करके आप इसको स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा सर मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारे ये जस्ट ये फाउंडेशन में बहुत सारी वीडियोज बनाई है, वो आपके लिए है। वहाँ पे हर एक वीडियोज, हर एक टीचर का एक अपना प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप जाकर उनके वीडियोस देख सकते हैं। जैसे मेरा ही प्लेलिस्ट है, इसमें 50+ वीडियोस आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करके रखे हुए हैं। मेरा तो पूरा 2 चैप्टर आपको यहाँ पे एंटायरली फ्री अवेलेबल है देखने के लिए। और मैंने अनअकैडमी में बहुत कुछ पाया है बहुत कम टाइम में, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड डेडिकेशन। तो चलिए सर, ये हमारा टाइमिंग आपने नोट किया, अब हम मेरा स्केड्यूल है ये भी आप देख लीजिए, और अभी हम चलते हैं आगे। यस क्या बात है शुभ, रेड भी देगा, रेड इज आई थिंक ये तो मेरे इमेजिनेशन से बाहर जा रहा है अभी। आई सर आई एम न्यू बट आई हैव वॉच्ड ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सायोमी वेरी वेलकम टू द क्लास, फाइनली यू हैव मेड इट टू द लाइव क्लास, आई एम प्राउड ऑफ यू, अमेजिंग, वेलकम टू द क्लास। बहुत अच्छा लग रहा है आपको लाइव देख के। एंड सो या ना प्रदीप इज आस्किंग, क्या सर बायर राइट बोथ राइट यूज कर सकता है, सूट फॉर नॉन डिलीवरी एंड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? तो ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट एज वेल, बट देन अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कर रहे हो तो फिर नॉन डिलीवरी का आप लेंगे तो फिर वो लॉजिक नहीं बनेगा। सो इट विल बी अप टू द कोर्ट टू व्हाट दे विल अलाउ यू टू, बिकॉज आप ऑलरेडी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा रहे हो ना, तो नॉन डिलीवरी का पेनल्टी क्यों ले रहे हो? आप उसको बोल रहे हो जबरदस्ती नहीं ये रिमोट मुझे ही बेच, तो फिर नहीं भेज, पहले नहीं भेजा उसके भी चार्जेस दे, तो आप अदर से अलग से डैमेजेस क्लेम कर लो, और डैमेजेस के साथ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम करो, दोनों एट अ टाइम नहीं कर सकते। गुड इवनिंग साक्षी, राम राम हेमंत, राधे राधे वैभव, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। चलिए फिर निखिल, यू आर नॉट न्यू ईयर, यू आर एज ओल्ड एज आई एम।
चलिए सर, आप अभी क्या पढ़ाने वाले बेटा? आज हम इस चैप्टर को, इस यूनिट को और इस चैप्टर को, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को भी आज हम कंप्लीट कर देंगे, और कल से मैं बहुत बड़ा बम फोड़ के कुछ नया ही लेके आने वाला हूं। तो पहले देख लेते हैं क्या है सर। सबसे पहले आखिरी चीज हम देखने वाले हैं वो है ऑक्शन सेल। बताइए किस किसने, जो मेरे क्लास के पहले से स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को मैंने ऑक्शन सेल के बारे में बहुत कुछ बताया। जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, मैंने अपन ने इस पे केस लॉज भी किया, और हमने ऑक्शन सेल के बारे में एक बेसिक देखा है कैसे, हाउ इट वर्क्स। तो किस किसने ऑक्शन सेल पहले सुना है, हमारे स्टाइल में स्वैग करके बताया कि हमने सर ऑक्शन सेल के बारे में सुना है। स्वैग स्वैग चाहिए बेटा, रसोड़े में हेमंत आप ही थे लग रहा है मेरे को। नहीं बेटा निखिल, इतना टैलेंट नहीं है हमारे पास। ऑक्शन किस किस को पता है? इनविटेशन टू ऑफर दैट इज ओके, बट व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्शन? एक्चुअली ऑक्शन क्या होता है, कैसा दिखता है? बेटा ऑक्शन बहुत अच्छी एक चीज है, वहां पे ऐसे लोग बैठे होते हैं सब, और ये ऑक्शनर के पास ये हथौड़ा होता है, और वो हर एक चीज प्रेजेंट करता है, और उसके ऊपर लोग बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर बिडिंग स्टार्ट होती है। बिडिंग स्टार्ट होने के बाद वो बोलता है कि चलो ये रिमोट का अगर मैं ऑक्शन करना चाहता हूँ, तो कोई बोलेगा 1,000 रुपए, दूसरा बोलेगा 1,100, ये बिडिंग है सर। फिर आगे वाला बोल रहा है 1,300, 1,500, 2,000, 2,500, और फिर 2,500 के बाद कोई और बिडिंग नया नहीं दे रहा है। सो यहाँ पर मैंने तो इन्विटेशन टू ऑफर दिया, आपने मुझे 2,500 में खरीदने का ऑफर दिया, विच इज अप टू मी नाउ वेदर आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट और नॉट। एंड देन फिर मैं क्या करता हूँ, 2,001, 2,002 और 2,003, ऐसा ये पूरा सिचुएशन होता है ऑक्शन में। आपने कई मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में, शोज में, बॉलीवुड मूवीज में, एक एक बहुत फेमस अक्षय कुमार का एक बॉलीवुड मूवी था, उसमें आई थिंक वेलकम वेलकम है या उसमें वो ऑक्शन ऑक्शनर रहता है, वो उस बताता है, वो पेंटिंग ऑक्शन करता है। तो आई होप ऑक्शन सबको पता है क्या होता है, वहां पे एक चीज बिक रही होती है और बहुत लोग उस पर बिडिंग करते हैं। तो अभी ऑक्शन के रिलेटेड लीगल रूल्स क्या है, क्या ये लीगल है करना या इलीगल है, और अगर लीगल है तो क्या उसके कुछ रूल्स है जो हमको फॉलो करने हैं, बेटा आज ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एन ऑक्शन सेल इज अ मोड, ये सेक्शन 64 में बेटा कवर होता है। एन ऑक्शन सेल इज अ मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी By having bids, bids यानी सर ऑफर्स, जो आप इंडिविजुअल देते हैं ना, 1,000, 2,000, 1,500, 2,500, 5,000, 10,000, ये बेटा bids है, this is known as bids, they are offers. So inviting bids publicly and the property is sold to the highest bidder. देखिए किसको प्रॉपर्टी बेची जाती है सर, एकदम लॉजिकल है, जिसने भी सबसे ज्यादा पैसे देने की बात की होगी आप उसी को प्रॉपर्टी बेचेंगे, बिकॉज वही आपके, वहीं पर आपका प्रॉफिट है बेटा। तो हाईएस्ट बिड यानी सर, फॉर एग्जांपल अगर ये पिकासो का पेंटिंग है, मैंने इसको बोल दिया कि बिड विल स्टार्ट फ्रॉम 25 लाख। अब मिस्टर ए है जो 28 लाख कोट कर रहे हैं, बिड कर रहे हैं, मिस्टर बी ने इसको बिड किया 29 लाख, और एक मिस्टर सी ने बिड किया 30 लाख। आप बताइए हु विल विन, हु विल बी विनिंग दिस, हु विल विन दिस पिकासो पेंटिंग, जल्दी बताइए ए बी सी में से। हेमंत आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग बिड टू यू, बोली लगाना वैभव, दैट इज करेक्ट, यस। हर्षद जाजू सर वेलकम टू द क्लास, आई आई क्या ये हर्षद जाजू सर ही है, प्लीज कंफर्म कीजिए, बिकॉज आजकल सर बच्चे भी बहुत आ जाते हैं अलग अलग नाम से। ओके सो यहाँ पर क्या है सर, आप लोगों का सबका आंसर करेक्ट है, 30 लाख करेक्ट है। व्हाई इज इट करेक्ट, बिकॉज सर ये हाईएस्ट बिडर था और इसके ऊपर और किसी ने बिडिंग नहीं किया है, तो दैट इज करेक्ट। सो एन ऑक्शनर इज एन एजेंट गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ एजेंसी। अब क्या होता है ना सर, ऑक्शनर इज नथिंग बट एन एजेंट। अगर आपको याद होगा तो हम जब मर्केंटाइल एजेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि सर मर्केंटाइल एजेंट्स में कौन कौन हो सकते, तो आपने इसमें ब्रोकर, फैक्टर और ऑक्शनर भी देखा था। किस किस को याद है ये चीज, किस किस को बेटा याद है कि आपने ब्रोकर, फैक्टर और क्या देखा था, ब्रोकर, फैक्टर और उसके साथ साथ ऑक्शनर भी देखा था। हमने देखा था कि ये लोग मर्केंटाइल एजेंट है, ये आपके लिए सेल और परचेज, मॉर्गेज करना, ये सारे चीजें आपके लिए गुड्स के रिलेटेड, दे विल वर्क फॉर यू। तो ये उसी तरह से यहां पर बोला गया है कि ऑक्शनर इज नथिंग बट एन एजेंट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अंबानी एंड आई वॉन्ट टू सेल माई प्राइवेट, मेरा एक प्राइवेट जेट है Which I don't use in much. मैं यार नहीं, इतना मैं यूज नहीं करता, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू वन जो लेटेस्ट मार्केट में आएगा, जैसे अपन आईफोन बदलते हैं ना, वैसे वो प्राइवेट जेट बदलते हैं। सो ही इज ऑफ द व्यू कि ओके लेट अस जस्ट सेल दिस आउट। तो ही अपॉइंट्स मिस्टर बी,
मिस्टर बी इज एन ऑक्शनर, सो ही विल एक्ट लाइक एन एजेंट फॉर मिस्टर ए, राइट? एंड नाउ दिस एजेंट विल सेट अप एन ऑक्शन, और फिर इसके बाद जाके सर ऑक्शन स्टार्ट होगा, आप समझ रहे हो? फिर यहां पे लोग आएंगे, ए बी सी डी जितने भी लोगों को बुलाया जाएगा, ये लोग फिर एक एक करके बिड देंगे, और ऑक्शनर विल बी द पर्सन विल डिसाइड कि किसको बेचना है, और वो कैसे डिसाइड करेगा, जिसने हाईएस्ट बिड दिया है वो विल डू 1, 2, 3 सोल्ड. इज दैट क्लियर? सो दैट इज हाउ एन ऑक्शन हैपेंस. ओके, तो फिर व्हेन ही सेल्स ही इज ओनली एन एजेंट टू द सेलर. जब भी ऑक्शनर कोई चीज बेचता है, इज नॉट सेलिंग इट एज इफ ही इज द ओनर ऑफ द गुड, ही इज सेलिंग इट एज इफ ही इज एन एजेंट हु इज वर्किंग फॉर अ प्रिंसिपल हु ओन्स द पर्टिकुलर गुड. समझ रहे? तो यहां पर आपने एक्चुअली अंबानी का जेट खरीदा होगा, ओके, फॉर 30 लाख करोड़, वट एवर द अमाउंट इज, आई डोंट नो, मैंने कभी जेट खरीदे नहीं है. सो वॉट इज हैपनिंग इज, आप अल्टीमेटली अंबानी से जेट खरीद रहे हो, बट आप कभी हो सकता है उससे मिलो भी ना, बिकॉज दिस एजेंट इन बिटवीन विल डू ऑल द फॉर्मेलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सेल. तो ऑक्शनर्स मल्टीपल काम करते हैं, वो आपके लिए एज एन एजेंट वर्क करते हैं, दे सेटअप द एंटायर ऑक्शन, वो एडवर्टाइज करेंगे, दिल वो अलग अलग लोगों को बुलाएंगे, उनके बैठने की व्यवस्था करेंगे, देन उनको बताएंगे, दिल एक्सप्लेन कि जेट कौन से ईयर का है, क्या कैसे मेंटेन किया है, पायलट कौन हो सकता है, क्या वॉट एवर फीचर्स आर देयर, वो उनको बताएंगे क्या मॉडल है, क्या उनका वट एवर द थिंग दे लुक आफ्टर, एंड देन उसके बाद दे विल स्टार्ट द बीडिंग. वो बोलेंगे कि हाँ मिनिमम बीड इज दिस मच, अगर पिकासो का पेंटिंग है तो बताएंगे, दे विल प्रूव की ओरिजिनल पेंटिंग है, और उसके बाद ऑक्शन प्रोसेस विल बिगिन. सो दैट इज हर्षद. ओके, नाउ आई एम मोर कंफ्यूज. ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस विल हैपन. नाउ हाउएवर सेल, सो ही मे हाउएवर सेल हिज ओन प्रॉपर्टी एज वेल एज अ प्रिंसिपल एंड डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट इफ ही इज सेलिंग. सो तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर बी के पास भी एक पेंटिंग हो छोटा सा, तो आपके लिए पिकासो का पेंटिंग सेल कर रहा है, और इस खुद का भी उसके पास अशरफ हुसैन का कोई एक पेंटिंग होगा जो उसको लगता है कि नहीं ये भी मैंने बेचना चाहिए. सो ही नीड नॉट स्पेसिफिकली से कि नहीं ये वाला पेंटिंग पिकासो का आई एम सेलिंग इट फॉर मिस्टर अंबानी, या ये वाला पर्टिकुलर पेंटिंग फॉर ये जो है एमएफ हुसैन वाला दैट आई एम सेलिंग ऑन माय ओन बिहाफ बिकॉज आई एम द ओनर ऑफ द पेंटिंग. ही नीड नॉट मेंशन हु इज द ओरिजिनल ओनर ऑफ द पेंटिंग. ही जस्ट हैव टू start an auction and end an auction, and whoever is the seller will receive the price from the buyer. Buyer kaun rahega beta? Jo highest bidder hai. So that is how an auction takes place. So yahan par dikh raha hai hathoda, aur humne ek case law dekha tha funny wala, Picasso ka painting. Kisko yaad hai batana ki Picasso ka painting tha, aur kya hua na ki wo auctioner ne aisa suppose 1 lakh jo bhi bid amount tha, so he did 1 lakh 1, 1 lakh 2, 1 lakh 3 kar raha tha, to uska haath fisal gaya aur Picasso ka painting phat gaya. किस किस को ये केस याद है? हम बहुत हंसे थे ये केस पे, और वो केस में क्वेश्चन ये था कि हु शुड बियर द लॉस, व्हाई? बिकॉज ऑक्शनर ने हथौड़ा जो यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हो नीचे मारना चाहिए था, वो पिकासो के पेंटिंग में मार दिया और वो फट गया है. अभी क्या कर सकते हो आप उसका? तो बेटा हमने देखा था कि एज ओनरशिप हैज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, सो स्टिल सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल. व्हाई? बिकॉज ओनरशिप हैज नॉट ट्रांसफर. अभी तो आप बिडिंग करो, उसके बाद वो सब फाइनल होगा, प्रोसेस होगी, राइट? तो ये हमने याद किया, याद है ना? हाँ, तो दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ व्हाइल यू नो कंडक्टिंग द ऑक्शंस. सो सेक्शन 64 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट सेज दैट यू नीड टू फॉलो मल्टीपल रूल्स. द फर्स्ट रूल इज इफ यू आर सेलिंग गुड्स इन लॉट्स. सर व्हाट यू मीन बाय सेलिंग गुड्स इन लॉट्स? से फॉर एग्जांपल मुझे 1 lakh RIL के shares. Don't ask me how. I want to teach you the concept of lots. I want to sell these shares in a lot of 10,000 each. मतलब 1 lot of 10,000 each. बताइए कितने total lots लगेंगे 1 lakh cover करने? अगर एक lot 10,000 का है, जल्दी से. I need an answer from you. Please अपना अपना कैलसी छोड़ो बेटा. कैलसी की आदत इतनी गंदी मत लगाओ कि ये भी नहीं कर पाओ. बताओ कितने लॉट्स होंगे? सब पॉसिबल है. हाँ, मोनालिसा का पेंटिंग था क्या? ओ बिचारी मोनालिसा. 10, वेरी गुड. सो देर आर 10 लॉट्स लाइक दिस. तो ये रूल क्या बोलता है कि इफ देर आर 10 लॉट्स ऑफ 10,000 शेयर्स ईच, ईच लॉट, ध्यान से देखो, ईच लॉट विल बी अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट.
क्या बात कर रहे, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में आप 10 लॉट नहीं सेल कर सकते, ईच लॉट विल बी अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या आप जानते हो, एक समझ रहे आपको, ईच लॉट विल बी अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इट मे हैपन दैट बीडिंग भी अलग अलग हो रही, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप लॉट में बेच रहे हो तो हो सकता है पहला लॉट का वैल्यू गया 1 लाख रुपीज, लेकिन अगला लॉट जब आप बेच रहे थे तो 1,10,000 हो गया, उसके अगले लॉट में 1,08,000 हो गया, उसके अगले लॉट में 1,18,000 हो गया। सो इट मे इवन हैपन दैट प्राइसेस आर चेंजिंग इन बाय लॉट, बट एवरी लॉट विल बी अ सेपरेट सेल ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर गाइस? यप। तो वेरी दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड सर, व्हाई इज इट केप्ट द वे इट इज केप्ट, क्यों ये ऐसा है, क्यों अलग अलग लॉट में, क्यों एक साथ नहीं बेच रहे। अब आप ही ने डिसाइड किया, अदरवाइज आपने क्या करना था, 1 लाख का एक ही लॉट क्रिएट करना था ना। बट आपने लॉट्स क्रिएट किए, क्यों क्रिएट किए मुझे पता है, मैं बताता हूं आपको। अगर आप देख रहे हो कि यार एक साथ 1 लाख शेयर्स कोई एक पर्टिकुलर आदमी शायद ना खरीदे, एकदम सिंपल लॉजिक है। व्हाई 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 यानी सर क्या है, अभी ये करोड़ों का प्राइस चला गया ना, तो इतना नहीं डालेगा कोई आदमी। हाँ लेकिन करोड़ों का इन द सेंस अभी यहाँ पर नहीं, कुछ तो आई थिंक 20 लाख का तो कम से कम हो जाएगा, 10-15 लाख का तो हो जाएगा। तो आपको लगता है कि यार नहीं, 15 लाख रुपए एक साथ कोई आदमी नहीं डालेगा। हाँ लेकिन अगर मैं इसके 10-10 हजार के 10 लॉट डालू तो 1-1 लाख, 1.25-1.25 लाख लोग डालने में कंफर्टेबल रहेंगे। तो कभी कभी आप ये सोचते हो कि बीड करने वाला कौन है, उसके हिसाब से आप इसको ब्रेक करते हो इन लॉट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिलायंस के शेयर बेच रहे हो और अंबानी वहां बैठा है, तो यू नीड नॉट वरी कि अरे क्या लॉट बनाएगा ये आदमी, बैठा कौन है देख, ये एक ही साथ में पूरे 1 लाख या 10 लाख भी शेयर खरीद ले। तो अभी वहां पे आपको डरने की बात नहीं है, ये सब हाइपोथेटिकल चल रहा है। इतने शेयर्स है भी क्या मुझे पता नहीं है, मैं आपको लॉट का कंसेप्ट समझ रहा हूँ कि व्हाई इट इज सोल्ड इन लॉट। आप कुछ भी ले लो, मैं आपको एक और छपरी एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने ऑक्शन करना चाहा शूज का, आपको शूज मिल गए कितने, 20 लाख शूज है आपके पास। तो आपको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर बंदा 20 लाख शूज नहीं खरीदेगा। तो व्हाट यू डिड वाज, आपने क्या किया, 2-2 हजार के 100 लॉट रख दिए, 2-2 हजार के, सॉरी 1,000 लॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2-2 हजार के 1,000 लॉट हो गए। तो अब एक एक लॉट आप अलग अलग लोग, 2-2 हजार शूज तो आराम से बहुत सारे वेंडर्स खरीद सकते हैं, बट एवरी लॉट विल बी अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट प्लीज। हाँ ये पुम्बा वाला नहीं है, प्रदीप ओरिजिनल, अपन ओरिजिनल बेचते हैं, कुछ भी ऐसा डुप्लीकेट माल नहीं अपने पास। नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर कैसे कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस इट बाय बाय व्हाट, बाय फॉल ऑफ द हैमर। सर ये जो आप हैमर देख रहे थे यहां पर आ गया, ये जैसे ही सर ऐसा गिरता है, 1, 2 एंड 3 सोल्ड। तो द मोमेंट वो थर्ड लग गया नीचे जमीन पे, आवाज आ गई आपको, द प्रोडक्ट इज सोल्ड। नाउ नो वन कैन इवन गिव अ बेटर डील, मतलब आप ज्यादा भी बिडअप नहीं कर सकते, कम तो ऑफकोर्स नहीं करेंगे, ज्यादा भी अगर आप बीड करेंगे तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू आपने वो टाइम जाने दिया, 3 हो गए मतलब एंड हो गया उधर। ओके नाउ या हो सकता है आप कोई अदर कस्टमरी मैनर में भी बीड क्लोज करो, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बीड हो गया, तो आपको एक टाइमर दिया होगा, हो सकता है 1 आवर हो गया, जो लास्ट बीड है हाईएस्ट बीड है वो सिलेक्ट हो जाए। सो यू कैन यू नो, अब कस्टम्स और टाइम के साथ साथ चीजें बदलती है, सो कुछ नया भी आप लेकर आ सकते हैं। बट यूजुअली कैसे होगा, जो ऑक्शनर है ही विल लेट यू नो कि द बिड हैज स्टॉप, नाउ यू यू कांट बीड एनी मोर बिकॉज द सेल हैज हैपेंड, और जो भी होना था वो हो गया प्रोसेस। सो अंटिल इट इज अनाउंस एज सच। एंड एक और बहुत अच्छा पावर एक बहुत अच्छा दे के रखा हुआ है, दैट Until such announcement is made, यानी जब तक वो थर्ड बैंग नहीं होता, एनी बीडर में रिट्रैक्ट इज बिड। सर क्या बात कर रहे हैं, तो गेम हो गया है, तो खेलेंगे लोग, मजाक करेंगे वहां पे। तो बेटा ऐसे लोगों को बुलाया नहीं जाता कि जो मजाक करे। फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच का एक कौन, किसको पकड़ू, प्रदीप और निखिल, निखिल को पकड़ता हूं, निखिल बहुत बातें कर रहा है, निखिल इधर आओ। ये निखिल बहुत मस्तीखोर इंसान है, निखिल को पता चला कि आदर्श सर, सी आदर्श सर उनके पास की एक पेंटिंग को नीलाम करने जा रहे हैं, उनके पास एक पेंटिंग है उसका ऑक्शन हो रहा है, नीलामी बोलते हैं ना उसको, उसका ऑक्शन हो रहा है। तो निखिल चला गया सिर्फ गेम लेने, वो निखिल चाहता है कि आदर्श सर का फायदा हो जाए, मैं ज्यादा से ज्यादा सर को पैसे दिला लूं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है निखिल। तो निखिल आया बिडिंग में, अब क्या हुआ, निखिल ने, अच्छा अभी ये देखो, ये जो मैं मजाक में बोल रहा हूँ ये हम पढ़ने वाले आगे, लेकिन मैं अभी सीरियस इंटेंशन से नहीं, आपको मजाक इंटेंशन से बता रहा हूँ, बट कंसेप्ट सही पढ़ा रहा हूँ, आगे यही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करेंगे और आपको पता चलेगा कि इसके लिए भी रूल्स बना के रखे ऑक्शन में। बट अभी समझ लो कि मुझे नहीं पता कि निखिल भी इसमें आया है ऑक्शन में। तो मैंने एक ऑक्शनर को हायर किया,
तो सी आदर्श जोशी हायर्ड एन ऑक्शनर, ऑक्शनर है सपोज मिस्टर बी, ठीक है, आदर्श है भी नहीं, सी आदर्श जोशी इज नॉट इवन प्रेजेंट इन द ऑक्शन, उसको वो है ही नहीं वहां, उसने पेंटिंग लिया मिस्टर बी को दिया और उसको बोला इसको ऑक्शन करा लो, मिनिमम मिनिमम मुझे 50 लाख इसके चाहिए इस पेंटिंग के। अब निखिल को ये बात पता चल गई, निखिल गया उधर ऑक्शन में बैठा है, अब यहां बड़े बड़े लोग बैठे ए सी डी ई, ये सब बड़े करोड़पति लोग बैठे एकदम ऐसे, पूना वाला आदित्य बिरला, ये सब छोटे मोटे लोग बैठते नहीं अभी, क्या बोलू मैं इतना बड़ा आदमी हूँ क्या बोलू। उसमें निखिल भी जाके बैठ गया, अब देखो किसी ने बिडिंग किया होगा कि चलो 51 लाख, निखिल को लगा छी सर को सिर्फ 1 लाख ज्यादा, नहीं 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 सर को तो मैं बहुत ज्यादा दिलाऊंगा, निखिल बोलता है 55 लाख। ये सोच के बाकी लोग क्या ऐसे क्या करना है समझ नहीं रहे, चलो ई ने बोल दिया 58 लाख, निखिल बोलता है छोटी बात 60 लाख, और ये सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते बात 1 करोड़ तक आ गई और 1 करोड़ का बिड भी निखिल ने दिया है। और अब क्या हो रहा है, ऐसा निखिल को लग रहा है कि ऑक्शनर ये फाइनल करने वाला है, बी से 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2 और 1 करोड़ 3 हो ही रहा था कि निखिल बोला अरे सुनो ना सर सुनो 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 आई वॉन्ट टू टेक माई बिड बैक, आई एम सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या निखिल बीड वापस ले सकता है, जल्दी हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो सर ये पॉसिबल है बिकॉज अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अभी भी फॉल ऑफ हैमर बाकी था थर्ड, तो इस केस में ही कैन रिट्रैक्ट। सर व्हाट विल हैपन अगर ये रिट्रैक्ट करता है, तो इसके जस्ट पहले जिसने भी हाईएस्ट बिड दिया था उसका बिड फिर फाइनल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके जस्ट पहले एफ ने दिया था 98 लाख का, तो जैसे ही निखिल ने अपना 1 करोड़ का बिड वापस मांगा तो ऑक्शनर बोलता है मिस्टर एफ नेक्स्ट हाईएस्ट बिड इज योर्स 98 लाख, डू यू वांट टू कंटिन्यू, एफ बोलता है ओके सो नाउ इट्स अप टू एफ, फिर वापस वो मिस्टर बी स्टार्ट 98 लाख 1, 98 लाख 2 एंड 98 लाख 3 तक 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 सेल एंड, दिस हाउ सेल हैपेंस, सो यू कैन रिट्रैक्ट बिफोर इट इज प्रूव्ड। ओके नेक्स्ट, ओके लेट्स गो अहेड, एंड देन देयर इज वन मोर थिंग, राइट टू बिड मे बी रिजर्व। अब आ रही है यहाँ पे बात, अभी जो मैंने और निखिल ने एकदम नॉर्मली किया, इसमें कभी कभी कुछ लोग ज्यादा, ये जो अभी निखिल ने अपने मन से किया, हो सकता है कभी तो सीए आदर्श जोशी ने भी निखिल को बोला हो यार सुन ना तू जाके जरा प्राइस बढ़ा के आना, वरना मेरी जो पेंटिंग है वो 60 लाख 70 लाख के ऊपर कोई लेगा नहीं, पर तू जा और कॉम्पिटिटिव बिडिंग कर ताकि मैक्स टू मैक्स प्राइस बढ़े। तो क्या ऐसा भी हो सकता है सर? तो अभी दो रास्ते हैं सेलर अगर बिड करना चाहे तो उसके लिए। पहला रास्ता है टू रिजर्व अ राइट टू बिड। क्या है? टू रिजर्व अ राइट टू बिड। अब देखो यहां क्या होता है, राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सेलर एंड वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी वन पर्सन ऑन हिज बिहाफ मे बिड एट एन ऑक्शन। अब आपका दिमाग चल ही नहीं रहा होगा, आप बोलोगे सर सेलर मतलब ये प्रोडक्ट आपका है, ये प्रोडक्ट आपका है आदर्श जोशी का, और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि आप खुद अपने प्रोडक्ट के अगेंस्ट में बिड करेंगे, आप पागल हो गए क्या सर? मतलब क्या करने वाले हो? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सर 2 पार्टीज चाहिए, ये क्या कर रहे हो भाई? देखो मैं बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। सपोज आई हैव अ पिकासो पेंटिंग, उसको मैंने पिक बोल दिया प्यार से, जान दो तो चिल्लाओगे ये क्या होता है बोले सर पिक। ओके आई डोंट रियली वॉन्ट टू सेल इट, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि हाउ मच प्राइस आई कैन गेट इफ आई एक्चुअली सेल इट। I don't want to sell it. I just want to check कि कितना price हो सकता। So what I did is, I reserved a right for bid. मतलब मैं seller हूँ ना, मैंने सी आदर्श जोशी ने पहले invitation में बोल दिया that even seller is bidding. Seller is also bidding. So now what will happen? Of course seller कितना भी bid करे उसको खुद को तो payment करना है नहीं। लेकिन लेकिन बेटा एक बात देखना, auctioneer का जो fees होता है, ध्यान से देखो, auctioneer का जो fees होता है वो sell amount पे based होता है। वो कौन खरीदा डजंट मैटर, उसको परसेंटेज में फीस मिलता है। तो ऐसा मत सोचिए आप मजाक में नहीं कर सकता सेलर, बिकॉज ऑक्शनर विल अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। सो व्हाट आई डू इज आई रिजर्व राइट टू बिड एंड नाउ आई हैव इनवाइटेड ए बी सी डी ई एफ। अब ये लोगों ने बिडिंग स्टार्ट किया, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था कि मिनिमम 10 लाख से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सो ही स्टार्टेड विथ 11, देन 15, इट वेंट ऑन अराउंड 16, 16.5, 16.75, that was highest which we could get. So I didn't really wanted to sell it. Now I have two options. The other Joshi can do two things. He can actually sell it for 16.75. So he will remain silent and the Picasso painting will be sold to Mr. F for 16.75 lakhs.
Or else, if he actually does not wish to sell, if he wants to retain it for some further time, what he'll do is he'll say 16.80. So now, if he doesn't give a counter bid, then 16.80 will be the highest bid. So it will happen 1, 2, and 3. It is sold. Sold to whom? Sold to seller. So, but actually, aapne becha nahi, auctioneer ko of course ka commission milega. But now you got to know that your painting could actually fetch 16.75 lakhs today itself in the market. And this is how basically you can place, or you can place a price tag on any particular goods that you own. Then kabhi kabhi kuch log right reserve nahi karte aur fir bhi khud se bid karte, to kya ye allow hona chahiye bataiye? Agar maine right to reserve nahi kiya, maine invitation ke waqt yahan par agar bachcho ko nahi bola hota ki main khud bhi bidding karne wala hu ya mere taraf se koi aur, for example mera dost hai Nikhil, Nikhil aake bidding karne wala, ya mera dost hai Pradeep, Pradeep aake bidding karne wala, maine aapko nahi bataya. Aap logo ko lagta hai ki sare genuine buyers hai और उन्हीं के बीच में एक छुपा रहा, आइदर निखिल या प्रदीप, दोनों में से एक को मैंने भेजा और बोला कि तू मेरे भी आप में करना, अपने को लेना देना कुछ है नहीं, बस करना. क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? तो यहां पर क्या हुआ है, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू द राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और टू एम्प्लॉय एनी पर्सन टू बिड एट सच सेल. और ये एकदम लॉजिकल है. ये जो बिडिंग होती है ना, ये जो छुप के आप बिडिंग कर रहे हो, ये सिर्फ आप अपने प्राइजेस बढ़ाने के लिए कर रहे हो. सिंपल, मतलब आपने क्या किया, ये ए बी सी डी बेचारे बैठ के, बी सी डी ये लोग फालतू में बिडिंग कर रहे हैं और बाद में पता चला कि डी और कोई नहीं, ये सेलर का ही एजेंट है छुपा रुस्तम 007, ये छुपा हुआ बॉन्ड निकला हमारा. तो बाद में ये ए बी और सी का तो भाई कट गया ना. क्यों? क्योंकि ये डी फेकअप हाकी कर रहा था, फालतू में रेट बढ़ाया जा रहा था. फॉर एग्जाम्पल ए ने अगर 1 लाख बोला तो ये बोलता था 1,10,000, तो बाकी लोग बोलते थे अच्छा 1,20,000. यहाँ ये जो जंप हुआ, ये जंप हुआ बिकॉज ये फेक बायर की वजह से. तो ये इलीगल है बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. आप ये नहीं कर सकते, दिस इज लाइक चीटिंग, इट इज लाइक अ फ्रॉड. नाउ ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि ऑक्शनर को पता है कि ये डी कोई और नहीं सेलर का ही आदमी है. तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, तो फॉर द ऑक्शनर नोइंगली टू टेक एनी बिड फ्रॉम द सेलर और एनी पर्सन and any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer. So whoever, suppose for example this sale happens, a D ko ye 1. D ne baad mein 1.5 ka quote karke ye sell le bhi liya, to it will be a fraudulent sell. It will be a fraudulent sell and it will not be valid. Okay? Why? Because आप unnecessary price increase करने के लिए कर रहे हो, आपके कोई logic नहीं है आपके पास इसका. आप सिर्फ जबरदस्ती हवा करने के लिए आए हो उधर. तो अगर निखिल और मेरा ये मिली भगत थी और मैंने निखिल को जानबूझ के भेजा था कि भाई तू सिर्फ जाके रेट बढ़ा, क्या कोई भी रेट दिया उसमें और 2-4 लाख 3 लाख बढ़ाने का बिड को एक्टिव रख, इंटरेस्टिंग रख, एकदम ऐसा खतरनाक रख ताकि लोग ज्यादा पैसे. ऑक्शन में होता क्या ना बेटा, वाई डू वी ऑक्शन, मैं आपको बता दू, यहां पर चीजों का रियल वर्थ कभी कभी पीछे छूट जाता है. आप देखो ना कौन सी चीजें ऑक्शन होती है, मैं आपको बताता हूँ. अगर आप फिलेंट्रोफी जानते हो तो बहुत सारे ऐसे स्टैम्प्स होते हैं जो मतलब ब्रिटिश काल के भी स्टैम्प्स आपके पास अवेलेबल, पोस्टेज पोस्टल स्टैम्प, मजाक नहीं कर रहा, ब्रिटिश के टाइम के अभी भी लाखों में बिकते हैं. देयर आर कॉइन्स, हो सकता है कि कोई राजा महाराजा के टाइम के कॉइन्स है जो अभी भी बिकते हैं. देयर आर वेरी एंटिक थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल कार, सम ज्वेलरी और ऐसी बहुत सी एंटीक चीजें जो अभी भी ऑक्शन होती है. सो मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि फॉर द सेक ऑफ बाइंग यू बाय, उसका रियल वर्थ चाहे कुछ भी हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कोहिनूर हीरा, अभी कोहिनूर खरीदने के लिए हो सकता है अगर सच में कोहिनूर का बिडिंग हुआ तो इंडियंस विल गो एट एनी लेंथ, अपन आधा पार्ट बेच देंगे, बट विल ट्राई टू गेट दैट बिकॉज एक सेंटिमेंट्स अटैच है. तो देर आर सर्टेन, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़े बड़े लोग होते हैं, कोई राजा महाराजा, भाई राजा की ये तलवार है ये बिडिंग, तो उनके फैमिली का अगर कोई डिसेंडेंट होगा तो उसके लिए इट इज मोर लाइक कि नहीं नहीं मेरे पूर्वजों की ये तलवार है, इट बिलोंग्स टू मी ओनली, आई वांट टू बाय दैट. सो एनीथिंग कैन इज पॉसिबल देयर. सो मेनी टाइम्स क्या होता है, रियल वर्ड से आप क्रॉस कर लेते हो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑक्शन. अदरवाइज तो आप रियल नॉर्मली भी सेल कर सकते हो, ऑक्शन करती हो ताकि आप ज्यादा प्राइस उससे निकाल पाओ. ओके यस प्रदीप, आपको इफ यू आर अ सेलर एंड इफ यू वॉन्ट टू रिजर्व राइट टू बिड, तो आपको पहले ही अनाउंस करना है दैट आई विल, आइदर मी और माई एजेंट विल ऑल्सो बिड इन दिस पर्टिकुलर केस. यस सायोमी, दैट इज वॉट इज रिवोकेशन. विदित नहीं समझा बेटे क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं समझा.
प्रदीप, अगर एबीसी को नहीं पता है तो दैट विल बी अ फ्रॉडुलेंट सेल और परचेज ट्रांजैक्शन। स्वर्ग मूवी में हुआ था, बोले ऑक्शन, घर की नीलामी हुई थी, आई रिमेम्बर। यस अंकित, यू आर ऑलरेडी इनसाइड द क्लास, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू। तो दिस इज हाउ, ये जो बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये जो है ना बहुत खतरनाक चीज है ये हैमर, बिकॉज इससे बिक जाती है चीजें। चलिए सर, और बताइए ना रूल्स, मजा आ रहा था। और एक रूल है रिजर्व्ड प्राइस, तो द सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व और अपसेट प्राइस एज वेल। तो देर इज अ प्राइस सेट किया, ये पेंटिंग में बेच रहा हूं बट 10 लाख से नीचे, 10 लाख के नीचे नहीं बेचूंगा, इसके ऊपर में आप बीट करना चाहे तो बीट कर सकते। तो दैट इज, देर इज ऑलवेज अ अपसेट प्राइस, अ रिजर्व प्राइस फॉर दैट, दैट इज पॉसिबल, लॉजिकली आपको ही पता था। देन देर इज अ कंसेप्ट ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, सो इफ अ सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, जैसे अभी मैंने आपको निखिल वाला एग्जाम्पल बताया था, ए बी सी और डी, ये डी और कोई नहीं, ये सेलर का एजेंट है। ओके, सो अब आपने क्या किया, आपने ये फ्रॉडुलेंटली प्राइस इंक्रीज किया 1.4, फिर ये देख के कि यार डी 1.4 बोल रहा है, आपने 1.5 बोल दिया, इसने 1.6 बोल दिया, इसने 1.7, अब आप जबरदस्ती बोल रहे हो 1.8, खरीदना वरीदना कुछ नहीं है, आप तो सेलर के आदमी हो, 1.8, अब ये डर गया, फिर इसने 1.81 बोल दिया, फिर इसने 1.82 बोल दिया, और ये कुछ नहीं बोल रहा है, अभी हाईएस्ट बिट किसका है 1.82, आप जबरदस्ती 1.83, अब क्या हो गया 1.83 के ऊपर बहुत मुश्किल से, ऐसा ना कि ये तो कुछ नहीं बोला और सिर्फ यही एक बंदा बचा, अब ये तो ऑलरेडी बिट नहीं कर रहा और ये भी यहां पर थक गया, बचा कौन, बी। अब बी ने बोल दिया 1.84, नाउ यू नो दैट इवन इफ आई गो बियॉन्ड दिस, बी विल नॉट गो बियॉन्ड 1.84, तो मुझे खरीदना पड़ जाएगा, तो आप यहाँ पे चुप बैठते हो। आपकी वजह से क्या हुआ, जो चीज 1.4 या 1.5 या 1.6 में बिकती थी वो 1.84 तक ले गया। ये जो इंक्रीज आपने किया, ये कैसे किया, प्रिटेंडेड बिडिंग से। कैसे किया बेटा, प्रिटेंडेड बिडिंग से। मैंने आपको क्या बोला, इससे क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ फ्रॉड। जल्दी बताइए, इफ एनी कंसेंट इज टेकन बाय फ्रॉड व्हाट हैपेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, इफ आई टेक योर कंसेंट यूजिंग फ्रॉड व्हाट हैपेंस टू द कॉन्ट्रैक्ट, डज इट बिकम वैलिड, void, voidable, legal, illegal, what happens to the contract? Fraud से consent लिया तो क्या होता है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए आंसर बेटा, पूरा दिन नहीं चलता, देर इज अ टाइम लॉट, और जितना मैं आपको बोल रहा हूं उतना रेट से नहीं बढ़ता, हर चीज में कोई कोई भी अनफाइनाइटली आगे नहीं जाता, तो या ऐसा नहीं है पूरा दिन, इट जल्दी होता है। वेरी गुड, वॉइडेबल इज द करेक्ट आंसर, सो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, वही चीज यहाँ पे करेक्ट किया इन्होंने, इन्होंने बोला है कि द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। सपोज नाउ दिस 1.84 इज फाइनल, राइट, ये फाइनल हो गया। नाउ बाद में इनको रियलाइज हुआ दैट मिस्टर डी जो है ही इज नथिंग बट एजेंट ऑफ सेलर, ये उसको बाद में पता चला कि ये मिस्टर बी इज एन एजेंट ऑफ सेलर। तो मिस्टर बी जो है यहां पर, ही विल चूज वेदर टू कंटिन्यू और रिसाइन, दो ऑप्शन होते हैं ना, कंटिन्यू और रिसाइन, तो इवन मिस्टर बी कैन रिसाइन और अवॉइड और कैंसिल द रेपुडेट द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, अवॉइडेबल तो मैंने आपको समझाया था, तो इतने रूल्स है बेटा ऑक्शन सेल के। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बी सोल्ड अ कार बाय ऑक्शन एंड इट वॉज नॉक डाउन टू It was knocked down to Q, मतलब Q won the car, who was only allowed to take it away on giving a check for a price and signing an agreement that ownership should not pass until the check was cleared. तो यहाँ पर P ने auction place किया और car बेचने की कोशिश की, जो car Q ने खरीद लिया by fall of hammer. कैसे खरीदा बेटा? Fall of hammer, of course. Why fall of hammer? Because sir auction sale है. Auction sale में sale होता ही fall of hammer से. Now इनके कॉन्ट्रैक्ट बीच में लिखा था कि ये कार आपकी होगी अगर आप चेक पहले जो आप दिए हो ये चेक ने क्लियर हो जाना चाहिए और ओनरशिप के जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर आपका साइन होना चाहिए, ये दो रिक्वायरमेंट के बाद ही ये जो कार है ये आपकी हो जाएगी। लेकिन बात क्या है ना बेटा, ये जो सब आप बातें कर रहे हो ये तो आप पोजेशन की बातें कर रहे हो, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट When does ownership passes to buyer? एक ही आंसर देना, अच्छा आंसर देना, सही आंसर देना। In the case of specific goods in deliverable state, when does ownership passes from seller to buyer? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एमवी सर आ गया, ओ माई गॉड, एमवी सर, हेलो, वेलकम टू द क्लास।
एमवी सर आपकी क्लास का टाइमिंग 6 PM ऑन यूट्यूब बेटा, 6 PM एवरीवन इन दिस क्लास, 6 PM हमारे एमवी सर इकोनॉमिक्स के बादशाह है, आग लगा देते भाई इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, जैसे हम लॉ में आग लगाते हैं ना, अभी आप ये ऑक्शन सेल से भी ज्यादा बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक्स की अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स इतने अमेजिंग तरह से समझाते हैं जिसकी लिमिट नहीं है। प्लीज 6 बजे एक लेक्चर अटेंड करके देखिए एंड यू विल रियलाइज। तो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मनीष सर, कैसे हो आप? बहुत बहुत दिनों बाद आया आज एमवी सर। यस निखिल आप कोई भी एक लगा लीजिए, हम दोनों भाई है, आप किसी भी एक का लगा लीजिए। ओके तो समझ रहे हो, मुझे आंसर चाहिए था यहां पर, कंडीशन फुलफिल्ड बाय बायर इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। बताइए ना, इन केस ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल फॉर्म सर, वेंडर्स ओनरशिप पासेस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। जैसे ही फॉल ऑफ हैमर हुआ वैसे ही आपने क्या बोला, सेल इज कंप्लीटेड, आपने बोल देना आप यू एक्सेप्टेड द ऑफर। सर जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो वैसे ही ऑन दैट स्पॉट ओनली ओनरशिप पासेस ऑन टू द बायर। अब यहां पे देखो क्या हुआ, इन द मीन वाइल टिल द चेक वॉज क्लियर, यानी चेक क्लियर होने से पहले ही यू सोल्ड द कार टू आर। कितना कितना इम्पेशेंट है देखो, पहले बिडिंग में कार खरीदा, कार के लिए चेक दिया, साइन भी करना अभी उसका बाकी है, चेक क्लियर होना भी बाकी था और ऑलरेडी उसने ये कार बेच दी किसको, मिस्टर आर को। ओके नाउ इट वॉज हेल्ड दैट द प्रॉपर्टी वॉज पास्ड ऑन द फॉल ऑफ हैमर इटसेल्फ। मैंने आपको बोला है द मोमेंट हैमर फॉल हुआ सेल हो गया, जैसे ही सेल होता है इट्स अ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल फॉर्म, इसमें कोई इंतजार की बात ही नहीं है, ओनरशिप पासेस टू द बायर इमीडिएटली ऑन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब भाई पोजेशन आए ना आए इट्स अ बात की बात है, ओनरशिप एंड पोजेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, पोजेशन आप रुकेंगे नहीं, आप ओनरशिप आपके अंग पे, आप उसको सेल ऑन कर सकते हैं। सो यहाँ पे इट वॉज हेल्ड दैट आर हैड अ गुड टाइटल टू द कार एंड बोथ द सेल एंड सब सेल आर वैलिड इन फेवर ऑफ क्यू एंड आर रिस्पेक्टिव। तो फॉल ऑफ हैमर पे ये जो कार है ये क्यू को मिली और सब्सिक्वेंटली सब सेल करने के बाद ये कार जो है वो एक्चुअली मिल गई आर को। इस अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक क्यू का चेक क्लियर नहीं हुआ, फिर भी ट्रांसफर जो है ये वैलिड माना जाएगा। कोई और सवाल? यूट्यूब पे हेमंत, यूट्यूब पे आज आई थिंक यूट्यूब पे मनीष सर, मनीष सर विल लेट यू नो, आई थिंक यूट्यूब ही बोला ना अभी उन्होंने 6 PM ऑन यूट्यूब। यस इट इज ऑन यूट्यूब, द क्लास इज ऑन यूट्यूब। थैंक्स निखिल, लव यू बैन। हेमंत द क्लास इज ऑन यूट्यूब फॉर टुडे, मे बी आपको विल हैव टू चेक चेक ऑन विद सर फॉर फ्यूचर क्लासेस, बट टुडे इट्स ऑन दिस यूट्यूब इटसेल्फ। तो पहले बताओ ऑक्शन सेल पूरा समझा, ऑक्शन सेल खत्म भी हो गया, आप लोगों के ऑक्शन के रिलेटेड मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सवाल होंगे, जल्दी से शूट योर क्वेश्चंस, जल्दी क्वेश्चंस लो, फिर हम एक नए कंसेप्ट की तरफ जाते हैं जो छोटा सा कंसेप्ट है और आज ये यूनिट और ये चैप्टर दोनों हम एंड कर देंगे। किसी को कुछ ऑक्शन सेल के रिलेटेड कंसेप्ट में कुछ क्वेश्चंस है जल्दी बताइए, दोस्तों मेरे भाई जल्दी बताइए, क्या बोला है? सबसे पहले बोला है रूल्स क्या क्या है, सबसे पहला रूल है कि सर अगर आप लॉट्स में बेच रहे हो तो हर लॉट का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा रूल क्या है? सर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट होता है ऑन फॉल ऑफ हैमर, एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ राइट राइट टू रिजर्व बिड बाय द सेलर। रिजर्व कर सकता है सेलर, बोल सकता है कि मैं तो ऑक्शन कर रहा हूं लेकिन मैं भी राइट रिजर्व कर रहा हूं टू बिड, यानी ऐसा मत बोलना टाइम पे कि अरे सेलर भी क्यों बिड कर रहे हैं, मैं करना चाहता हूं, आपको करना है तो ही करो, ये जान के करो कि आई विल ऑल्सो बिड ऑन द सेम। तो इट मे हैपन कि आपको बेचने की जगह मैं खुद बिड कर रहा हूं, एंड देन अगर मैं राइट टू बीड ये रिजर्व नहीं कर रहा और फिर मैं बीड कर रहा हूं तो मतलब मैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा हूं, एंड आपको पता है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के साथ क्या होता है, यस द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। तो ये प्रिटेंडेड बीडिंग में आपको क्लियरली दिख जाएगा। और रिजर्व प्राइस क्या होती है? रिजर्व प्राइस इज द बेसिक प्राइस दैट यू कीप फॉर द गुड्स। अरे अंकित किधर है आपका क्वेश्चन, जल्दी पूछो। ओके सायोमी पूछ रही है, पूछ रहा है, आई एम सो सॉरी आई डोंट नो द, सायोमी इज आस्किंग इफ फ्रॉड हैपेंड बर्डन ऑफ प्रूफ वुड बी ऑन हुम। आई थिंक आपको पूछना है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है।
तो देखो बेटा, ऑलवेज देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट. तो प्लेंटिव इज समवन जो केस कर रहा है, एंड डिफेंडेंट इज समवन जिसके ऊपर केस हो रहा है. प्लेंटिव अगर बोलता है कि यार ये बंदे ने मेरे साथ गलत किया है, तो नाउ आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि नहीं आपने गलत नहीं किया. ओके, सो इन दिस केस जैसे हमारे पास निखिल था या हमारे इस एग्जांपल में मिस्टर डी था, इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ही इज नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर सेलर. ओके, सो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन डी. यस, अंकित का कौन सा क्वेश्चन इग्नोर किया है? अंकित को ना ऐसा हर दिन मेरे को अंकित का एक ना एक सेंटेंस दिखता है जिसमें उसको लगता है मैंने उसको इग्नोर किया है. बेटा अंकित, मैं क्यों आपको इग्नोर करूं? हाँ बेटा, मैंने आपको बोला ना 1.83, ये कहां पर हुआ था? यहीं पर. हाँ, 1.83 के बाद अगर सब चुप हो जाए, किसी ने और बढ़ाया ही नहीं, तो क्या होगा? तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप इसमें एक्सेप्ट करेंगे या अपना बिड रिट्रैक्ट कर लेंगे. अगर आप रिट्रैक्ट करते हो 1.83, तो व्हाट इज द नेक्स्ट हाईएस्ट बिड? 1.82. सो एनीवेज बी बी ही बकरा बनने वाला था, समझे क्या आप? यहाँ पे 1.83 अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको परचेस करना पड़ेगा. अगर आप वो रिट्रैक्ट भी करते हो, अपना बिड वापस ले लेते हो, तो आप नेक्स्ट हाईएस्ट बिड 1.82 है. 1.82 में बेचारा वो बी खरीदेगा. Yes, some people are typing. Of course, बेटा, of course कर सकते हैं ना, of course कर सकते हैं. उसके बाद ही तो आपको पता चला है, जब भी आपको पता चला कि ये उसका एजेंट था, तो आप उसको कैंसिल कर दो. अगर आपने वो पे भी कर दिया है, तो भी आप उसके अगेंस्ट में यू कैन क्लेम कि भाई ये गलत हुआ है मेरे साथ, अभी आप मेरे को ये दो, क्या बोलते उसको, जस्टिस. यू वांट जस्टिस? तो प्रदीप, यस यू कैन डू इट. हेलो समीक्षा, सो नाइस टू सी यू. ओके चलो बेटा, चलो. अरे झगड़ो मत, ये मानसांग कितना हमेशा झगड़ते रहते हैं. आ जाओ बेटा, आ जाओ. अब मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे लगता नहीं तुम लोग के पास ऑक्शन सेल को रिलेटेड कुछ अभी क्वेश्चंस है. तो अभी मैं बात करता हूँ सर टैक्सेस की. बेटा आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि इनकम टैक्स नाम की कोई चीज होती है? जल्दी से बताओ, इनकम टैक्स किस किस को पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स, बताना जरा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स? जल्दी बताओ रे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स? अरे सर डायरेक्ट टैक्स ही तो होता है इनकम टैक्स, या डायरेक्टली आपके अर्निंग पे देना होता है. तो फिर डिफरेंस पूछना है तो सर आप डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में पूछो, या इनकम टैक्स और जीएसटी में पूछो, बट मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पूछू. ओके थाने का होता है क्या? नहीं बेटा शुभ, ये पे करने का होता है. क्या बात है, इनकम टैक्स एक्ट 1962, ओ माई गॉड. अरे बाप, अंकित को फाइल करना भी आता है. बताओ बेटा अंकित, सैलरी के लिए कौन सा फॉर्म है? अंकित सैलरी के लिए कौन सा है फॉर्म नंबर बताओ. वेरी गुड, गोमसी बोल रहे जो भी इनकम आप अर्न करते हो उस पर टैक्स पे करना होता है. तो बेटा एक बात बताओ, क्या ये टैक्स सेम होता है या ये हर ईयर चेंज होता है? इफ स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट इनकम टैक्स और एनी पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल जीएसटी ऑल्सो फॉर दैट मैटर. मैं सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पे आपको रोकना नहीं चाहता हूँ. डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, क्या ये कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं या ये सेम रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं थ्रू आउट ईयर्स? 20 साल हो गए एक ही रेट टैक्स का रेट है, जल्दी बताओ बेटा. डिफरेंट अलग अलग होता है. ओके तो कभी फॉर एग्जांपल अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद और डिलीवरी से पहले टैक्स रेट में अगर चेंज हो जाए तो आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या करेंगे बताइए? फॉर एग्जाम्पल आपने कार बेची, उस पर आप अगर टैक्स लगाते थे फॉर एग्जाम्पल 18%, बट बाद में सब्सिक्वेंटली इट इज चेंज टू 25%. वॉट विल यू डू अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन है, एग्जीक्यूटरी है, वॉट विल हैपन टू द कॉन्ट्रैक्ट? क्या आपने कभी सोचा? बेटा क्यों नहीं भरूंगा, भगवान की दया से कमा रहा हूं तो गवर्नमेंट को दूंगा और मैं अपना फर्ज अदा करूंगा. हर एक इंसान का फर्ज है इनकम टैक्स भरना. आप और मैं ऐसे प्रोफेशन में ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का, मैं डोंट लेट एनी वन फूल यू. सीए का प्रोफेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन दिस कंट्री. आप और मैं मिलकर इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं. अगर आप और मैं चीटिंग करने लग जाए तो हम हमारे क्लाइंट से भी चीटिंग करवाएंगे और अल्टीमेटली हमारे देश का नुकसान करेंगे. और कुछ भी कर लेना, लेकिन कुछ भी क्या कर लेना, मतलब कभी भी कोई गलत काम नहीं करने का, देश का नुकसान तो बिल्कुल नहीं. जब आप सीए बनोगे तभी प्रॉमिस करो कि सर हम एकदम जेन्युइन प्रैक्टिस करेंगे, सब लोगों को हम सही चीजें बताएंगे, हमेशा सबसे टैक्स भरवाएंगे. ऐसा नहीं कि
गलत बोल के टैक्स बचाना, बिकॉज दैट विल नॉट हेल्प यू, नाइदर यू नॉर योर चिल्ड्रंस और हुएवर इज कमिंग आफ्टर यू. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन टैक्स रेट चेंजेस इन बिटवीन एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन. तो दिस 4.7 इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्ट. इट सेज इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड टैक्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो इट मे हैपन सर कि टैक्स रेट हैज इंक्रीज्ड और इट मे ऑल्सो हैपन दैट इट हैज डिक्रीज्ड. सर इंक्रीज हुआ तो कौन बर्डन लेगा और डिक्रीज हुआ तो कौन बेनिफिट लेगा, ये आज देखने आए हैं हम यहाँ पर. सो वेयर आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म टैक्स रिविजन टेक्स प्लेस. तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने कार बेची है 1 लाख रुपीज में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. नाउ द कार वॉज सपोज टू बी डिलीवर्ड और द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सपोज टू बी हेल्ड, लाइक जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ये अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था फॉर एग्जाम्पल 1 नवम्बर को, लेकिन 1 नवम्बर के पहले ये जो रेट थे ये आपने पहले डिस्कस कर लिए थे सेप्टेम्बर इटसेल्फ में, और आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे नवम्बर में. इस सेप्टेम्बर से नवम्बर के बीच में टैक्स को लेके दो पॉसिबिलिटीज है, क्या आइदर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज. इफ इट इंक्रीजेस हु विल बियर द बर्डन, इफ इट डिक्रीजेस हु विल बियर द हु विल एंजॉय द बेनिफिट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. सो वेयर टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड और रेमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू द पेमेंट ऑफ टैक्स, द पार्टीज वुड बिकम एंटाइटल्ड टू रीड जस्ट द प्राइस ऑफ द गुड्स अकॉर्डिंगली. यहां पर आपको करना क्या है, आपको प्राइसेस को एडजस्ट करना है, बिकॉज आप लॉ के ऊपर नहीं जा सकते. अगर लॉ ने बोला टैक्स बढ़ाने का, भाई ने बोला बढ़ाने का, तो बढ़ाने का, तो इधर हो सकता है 1,10,000 हो जाए टैक्स की वजह से, या हो सकता है या 90,000 हो जाए बिकॉज टैक्स रिड्यूस हुआ है. सो वॉट एवर हैपन्स, आप दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेक्शन 64A बोलता है कि आपको रिवाइज रेट ही पकड़ने हैं, आपको आपका सेलिंग का जो रेट था इसको भी रिवाइज करना होगा एज पर टैक्स. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हमने ये कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये टैक्स रिवीजन आया है तो हम अभी नहीं चेंज करेंगे. इट विल नॉट वर्क लाइक दैट. गवर्नमेंट ने टैक्स चेंज किया है सबके लिए, ऑन दैट मोमेंट चेंज हो जाता है, आपको आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करने पड़ते हैं. तो अब बात करते हैं हु विल बियर द कॉस्ट और हु विल हैव द फन पार्ट टू हिमसेल्फ. तो फॉलोइंग टैक्सेस आर अप्लाइड ऑन द सेल और परचेज ऑफ गुड्स. सबसे पहला है ड्यूटी ऑफ कस्टम्स और एक्साइज. क्या आप लोगों ने कस्टम्स और एक्साइज सुना है कभी इससे पहले, बताइए जल्दी बताइए. अरे निखिल किधर जा रहे हो बेटा, बताओ कस्टम क्या होता है. सर अगर आप बाहर के कंट्री से हमारे यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं तो आपको कस्टम्स क्लियर करने पड़ते हैं और एक एडिशनल ड्यूटी पे करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी. ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है. Then there is a concept of excise जो आपको within India लगती है. Then there is also any tax on sale or purchase of goods. कुछ particular goods के ऊपर अलग से भी sale purchase का tax लग सकता है. तो इतने सारे taxes लगते हैं और कितने सारे अभी changes possible है. मतलब हो सकता है कभी custom change हो गया, फिर कभी हो सकता है excise change हो गया, कभी उस particular goods के ऊपर जो sale और इसका purchase फिर tax लगता है वो change हो गया. So what will happen in that case? तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में जब इतना टैक्स लैप. देखो आप सीईओ ना, आपका पूरा ऑफिस का टेबल ऐसा दिखेगा बेटा, एक फाइल रहेगी, एक डायरी रहेगी, कैलकुलेटर ये वाला नहीं रहेगा, दूसरा कैलकुलेटर रहेगा, एंड देन आपके पेन वैन ओपन है, पूरा ऐसा चश्मा वश्मा रखा है, ये जिंदगी रहने वाली है आपकी. यस, तो आप क्या करेंगे. तो अब आती है बात क्या करेंगे. द बायर वुड हैव टू पे द इंक्रीज्ड प्राइस वेयर द टैक्स इंक्रीजेस एंड मे डिराइव द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इफ टैक्स इज curtailed. Who will enjoy the benefit or loss? Sir, buyer will have to pay the increase and he will enjoy the decrease. So, agar tax 1 lakh ke jagah 1,10,000 ho gaya, increase ho gaya, 1,10,000 ho gaya, to ye additional 10,000 buyer bear karega. Aur agar ye 90,000 ho gaya, to ye jo 10,000 bache hai aapke, wo bhi buyer enjoy karega. Lekin thus, seller may add the increased tax in the price. The effect of provision can, however, is excluded by an agreement to the contrary. लेकिन ये कब हो है? जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा है. लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही ऐसा लिखो that A wants to buy a car for 1 lakh rupees and B will be responsible for taxes. यानी कि सर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता
मतलब बायर को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर टैक्सेस बढ़ते हैं कम होते हैं सेलर विल लुक आफ्टर दैट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है एंड देन इफ द टैक्सेस इंक्रीजेस टू 1,10,000 द सेलर विल बियर द कॉस्ट एंड इफ इट इज रिड्यूस टू 90,000 द सेलर विल इंजॉय द बेनिफिट। द इफेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन कैन हाउएवर बी एक्सक्लूडेड बाय एन एग्रीमेंट। इट इज ओपन टू पार्टीज टू स्टिपुलेट एनीथिंग रिगार्डिंग टैक्स। आपके पास ऑप्शन है, यहां पर आपको लॉ ने बोल के रखा है कि हम आपको खुला हाथ देते हैं, आप डिसाइड करो कि टैक्स कौन पे करने वाला है, कितना पे करने वाला है, कौन बर्डन रखने वाला है, किस कौन जिम्मेदार रहने वाला है अगर टैक्स बढ़ता है तो कम होता है। तो जल्दी से मेरा एक सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे जवाब दो। अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा है दैट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, आपके इसमें एग्रीमेंट में क्लियर लिखा है दैट बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्स, बताइए। And if the tax rate decreases, who will enjoy the benefit of that decrease of the tax? जल्दी बताओ, आपके agreement में लिखा था, very good, buyer answer भी आ गया। अगर आपके agreement में लिखा था that seller is responsible for increase or decrease in tax, who will be like अगर tax rate बढ़ता है तो who will bear the cost? Who will bear the cost? जल्दी, बेटा, आपके agreement में लिखा है seller is responsible. आपके एग्रीमेंट में लिखा है बेटा सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्स, और अगर टैक्स इंक्रीज हो जाता है तो हु विल हैव टू बियर द एक्स्ट्रा टैक्स? सेलर। व्हाई? बिकॉज एग्रीमेंट में लिखा है। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि सेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन टैक्स एंड बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन टैक्स? आपको जो करना है करो, यहां पे क्लियर लिखा है इट इज ओपन टू द पार्टीज टू स्टिपुलेट एनीथिंग रिगार्डिंग टैक्सेशन। टैक्सेशन को लेके पार्टीज कैन राइट एनीथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ऐसा पार्टी ने लिखा है कि अगर टैक्स रेट बढ़ा तो सेलर भरेगा, टैक्स रेट कम हो गया तो बायर इंजॉय करेगा, देन दैट विल हैपन। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है, अब बताइए इसका आंसर कि एग्रीमेंट में टैक्स रेट के इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में कुछ नहीं लिखा है और टैक्स रेट आइदर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, हु विल बियर द एडिशनल कॉस्ट और हु विल इंजॉय द न्यू बेनिफिट? जल्दी बताइए, अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, एग्रीमेंट इज साइलेंट, हु विल bear the cost or enjoy the benefit? If nothing is given in the agreement, sir, buyer will bear the cost or buyer will enjoy the benefits. ये हमारा law बोलता है। Next, तो पहला सवाल आपके सामने आ गया है। I hope आपको ये दोनों concept खत्म हो गया। आज हमने दो act बड़े-बड़े complete कर लिए। So congratulations for that as well. And let us start MCQ. One और फिर ABCD ऐसा answer चाहिए मेरे को। वन और फिर एबीसीडी। वेरी गुड, सिंपल था लगता है। नेक्स्ट, फटाफट अरे टू के आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ अब आ रहे है, इतना सिंपल है, मैं वही सोच रहा था इसको तो इतनी देर रुकना भी नहीं था। नेक्स्ट, हंसो मत, इंस्टीट्यूट का है, मेरा नहीं बनाया हुआ है। कैसा लगता है ऐसे छोटे छोटे क्लासेस में ना, मेरे को मुझे भी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है ये आपके लिए सही रहेगा। वेरी गुड, आंसर इज सी, वॉइडेबल। छोटे छोटे क्लासेस जरा मेरे को अच्छे लग रहे हैं, समझने के लिए भी इजी है, बर्डन भी नहीं आता और हम बार बार मिल सकते हैं, तो आपको मेरी याद नहीं सताएगी और मुझे आपकी याद नहीं सताएगी। Very good, the answer is B, correct everyone. आ गया आंसर,
बहुत टाइम हो गया यार, दो फटाफट आंसर दो। नो 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 नो, कहीं पर भी मैंने आपको वॉइड पढ़ाया ही नहीं है, पूरे ऑक्शन सेल में मैंने आपको वॉइड ये वर्ड यूज ही नहीं किया है। मैंने मैक्स एक वर्ड यूज किया है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी भी आप करते हो तो वॉइडेबल होता है, बिकॉज इट जस्ट आप कंसेंट ले रहे हो, सो इट इज ऑलवेज वॉइडेबल। बेटा आंसर इज वॉइडेबल डी। आग लगानी है, आग बेटा आग। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि आंसर इज डी। कौन डी लिखा और बाकी लोगों ने आंसर ही नहीं दिया, क्या हमने ये देखा नहीं है? यस, मैं थोड़ा बता दूं, क्वेश्चन बोलता है वेयर इन एन ऑक्शन सेल नोटिफाइड विद रिजर्व प्राइस द ऑक्शनर मिस्टेकनली नॉक्स डाउन द गुड्स फॉर लेस देन द रिजर्व प्राइस। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व प्राइस, पहले वो बोलो। तो रिजर्व प्राइस इज लाइक मैंने बोला है कि ये पर्टिकुलर रिमोट मैंने पहले ही बोला है कि 10,000 से नीचे में नहीं बिकेगा, और सपोज बिडिंग चालू हुई 3,000 4,000 से। अब क्या हुआ, बिडिंग चल रही थी चल रही थी, बिडिंग 3,000 4,000 से 5,000 6,000 8,000 और 9,000 पे आके रुक गई, ठीक है, और सेलर का ही वो हाईएस्ट बिड था 9,000, और सेलर ने जो ऑक्शनर है उसने 1, 2 और 3 करके फाइनल कर दिया सेल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि सर रिजर्व प्राइस से कम में वो बिका गया है। अब देखो क्या होता है, अगर आप रिजर्व प्राइस से कम में बेचते हो तो ऑक्शनर इज रिस्पॉन्सिबल। वाई? बिकॉज सेलर ने उसको क्लियर कट बोला है कि ये रिमोट अगर 10,000 के नीचे बेचते हो तो मुझे तो 10,000 चाहिए, जितना नीचे में बिका उतना लॉस आपका। समझे क्या, अगर मैं अगर ये रिमोट बेचना चाहता हूं, मेरा रिमोट है, मैं क्लियर कट आपको बोल रहा हूं कि इस रिमोट को मैं ऑक्शन करना चाहता हूं, लेकिन 10,000 इज द मिनिमम दैट आई शुड गेट फॉर दिस। तो अगर 10,000 के ऊपर आप ला सकते हो वेल एंड गुड, लेकिन 10,000 के नीचे इसको मत बेचना। तो अब क्या होता है, अब अगर ऑक्शन में ये 10,000 के नीचे बिका तो मैं ऑक्शनर को जिम्मेदार ठहराऊंगा, उसको बोलूंगा नहीं मैंने तुझे बोला था दैट डोंट सेल इट बिलो 10,000, यू हैव सोल्ड इट बिलो 10,000, गिव मी द बैलेंस अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 9,000 में बेचा है तो गिव मी द बैलेंस 1,000 अमाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में बात अलग है, इस क्वेश्चन में बात क्या है कि जो हाईएस्ट बीड है वो सेलर का इटसेल्फ ही है, मतलब सेलर खुद बोल रहा है कि मैं, मतलब डबल बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऑक्शनर को कि इस रिमोट को 10,000 में बेचने का है और मैं ही इस रिमोट को 9,000 में खरीदने के लिए बिड बना दिया। तो ये तो ऑक्शनर बोलेगा आप ही ने बिड दिया 9,000 का, आपने मुझे बोला तो 10,000 में नहीं बेचना, लेकिन आप ही बोल रहे हो 10,000 में खरीदूंगा, तो आप जबरदस्ती मुझे क्यों फंसा रहे हो। सो आई विल नॉट बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, सो ऑक्शनर इज नॉट बाउंड बाय द ऑक्शन, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर हियर। यस, ओके, सबको क्लियर हुआ? तो एक ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है दैट एक्सप्लेन इन डिटेल्स द रूल्स रिगार्डिंग ऑक्शन सेल, एंड देन जितने भी रूल्स हमने पढ़े वो सब आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। अगर बेटा ये शॉर्ट स्वीट सिंपल वीडियो और मेरा हम्बल सा नेचर आपको अच्छा लग गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और आग लगा दो। बेटा यूट्यूब को आग लगा दो और बोल दो, सबको बोल दो, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने सोशल मीडिया पे डालो यार, हमको करो यार, ज्यादा बच्चे आएंगे मजा आएगा, आग लगाएंगे यार साथ में मिल बैठ के। तो अगर सच में प्लीज अगर आप प्लस लेना चाहते हो तो प्लीज सी आदर्श रेफरल कोड यूज करो, आपको 10% ऑफ मिलेगा और हमें आपका प्यार मिलेगा और हम इसी तरह आपको पढ़ाने में यहाँ भिड़े रहेंगे। लेकिन अगर नहीं लोगे तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर हमको ऑप्शन नहीं मिलेगा इधर आपको पढ़ाने का। ये हमारा स्केड्यूल है जो मैंने आपको दे के रखा है, ओके, सो थैंक्स अ लॉट एंड आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो टुमोरो। ओके, जिस पहले सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके दो लिंक पे क्लिक करना है आपको। पहला एक लिंक पे क्लिक करना है जो आपने आपको मेरे एडुकेटर, मतलब आपका जो ऐप होता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उस लर्निंग ऐप में ले जाकर मेरे प्रोफाइल मिल जाएगा, वहां पे आपको फॉलो बटन दबाना है। फिर एक और लिंक क्लिक करना है, ये लिंक कौन सी है बेटा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल पे अभी जाकर ज्वाइन कर लो, बिकॉज हमारे अपकमिंग बैचेस के सारे स्केड्यूल और कुछ इम्प्रॉम्प्टो भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं तो वो आपको वहां पर मिलेंगे, तो प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप ASAP। यस, सोगा कंप्लीट फाइनली, लॉयल टू शीतल, विष्णु थैंक्स अलॉट, मानसा थैंक्स अलॉट फॉर बीइंग देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड, सो वी हैव नाउ कंप्लीटेड द टीका एंड सोगा।
ये दोनों भाई अपने हो गए, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंटायरली हो गया और ये हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी इंटायरली इनडेप्थ, इनडेप्थ यानी एकदम एनालिसिस वाला पढ़ाई हो गया, छोटा मोटा पढ़ाई नहीं कि आपने एक एक वर्ड पढ़ा है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट. और या वी डिजर्व दिस, वी डिजर्व दिस फॉर दैट. और इतना ही नहीं, बहुत आग लगा के किया यार अपन लोगों ने. तुम लोग को पता है क्या, तुम लोग को पता है आई थिंक, मैं एक और बार जो लोग नए हैं ना उन लोग को बताना चाहता हूँ, क्या ये पता है तुम लोग को ना क्या खतरनाक ये लिया है, 54K, 40K इन लास्ट 30 डेज एंड 184 फॉलोअर्स, नॉट जो अभी वो 190 के अबाउ चला गया है, एंड देन डेडिकेशंस भी. और अब तो शुभ की वजह से वी हैव अ ब्राउन हैट एज वेल, सो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग आई वुड से, मतलब मजा आ जाता है एकदम. तो थैंक्स अ लॉट. और ये ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट सेशंस मुझे भी अच्छे लग रहे हैं, आपको भी. अब हम और कुछ अगर इसमें इनोवेट कर सकते हैं तो सोच के जरूर आपको बताएंगे. ये पूरे जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना वीडियोस की, ये पूरे बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पूरा सेल ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ पर अपलोडेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप पढ़ सकते हो अपने स्पीड से अपने हिसाब से. तो कोई भी क्वेरी है तो मुझे बताइए. हम राइटिंग प्रैक्टिस के लिए संडे को फिर से मिलेंगे, बीच में हम लोग अभी पढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे. थैंक्स अ लॉट एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय. फोर एंड फाइव एमसीक्यू देखना बेटा आपको. ओके, ये मॉड्यूल के अंदर दिए हुए एमसीक्यूज है, मैंने आपको पहले ही बताया मॉड्यूल के है, आप उसमें से भी देख सकते हो. ये रहा बेटा फोर्थ एमसीक्यू, दिस इज द फोर्थ एमसीक्यू. ओके, का स्क्रीनशॉट ले लिया, दिस इज द फिफ्थ एमसीक्यू, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. अभी मैं नोट्स आपको इसमें दे दूंगा ऐप अपने टेलीग्राम चैनल पे. लॉय टू शीतल, थैंक्स विष्णु, प्रीमा बेजी, आई लव यू. यार ये प्रदीप डेंजर है या. यस मे बी. ओके चलो बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी आई इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स अ लॉट.